देखिए पटना में 5 देश रत्न मार्ग पर ये जो आवास है वो डिप्टी सीएम का होता है। तेजस्वी यादव इसमें रह रहे थे, अब ये डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित हुआ है। महागठबंधन सरकार में जब तेजस्वी डिप्टी सीएम थे तब उनको ये आवास मिला, लेकिन फिर बिहार में एनडीए की सरकार आ गई, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने, तो अब ये बंगला उनको आवंटित हुआ है। लेकिन बीजेपी के तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर से कई सामान गायब हैं, कई सामान डैमेज हैं। देखिए कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिहार बीजेपी के मीडिया सह प्रभारी एवं पार्टी के नेता दानिश हमारे साथ हैं। दानिश जी, क्या क्या गायब है आप लोग के नजर में? देखिए जब हम यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे ये बिहार के डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी को ये आवंटित हुआ है और दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर वो यहाँ पे जो है शिफ्ट होने वाले हैं, अपना कामकाज यहाँ से शुरू करने वाले हैं, तो जब यहाँ पे सफाई के लिए लोग आए तो देखा गया कि यहाँ की जो चीजें थी, जो बेसिक चीजें थी, वो यहाँ से गायब है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, ये बेड का आपको वॉल दिख रहा है, लेकिन बेड का जो बेस होता है, ये जो हाइड्रोलिक बेड था यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है, और ये जो बेस था वो गायब है, उसको ले जाया गया है। हाइड्रोलिक बेड का बेस गायब है, बेस गायब है, आपको वॉल दिख रहा है, बेस गायब है। एयर कंडीशन, काफी एयर कंडीशन यहाँ पे थी जो यहाँ से गायब दिख रही हैं। कितनी गायब है लगभग, उसकी सूची तो आपको दी जाएगी, लेकिन जब हमने देखा, आपके कैमरामैन को भी हमने दिखाया है कि जहां पे देखिए एयर कंडीशन लगे हुए थे वहां से उखाड़ लिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था, उस कोर्ट से कारपेट को उखाड़ लिया गया है। जो नल और जल नल जो होते हैं, वॉशरूम के जो नल होते हैं, जो टोटी होती है, उसको भी उखाड़ के ले जाए। आपका आरोप है कि टोटी गायब है? निश्चित तौर पर, ये देखिए आप सामने, मैं, मेरा आरोप नहीं है, ये देखिए आप, ये सत्यता है, ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है कि यहाँ पे वॉश बेसिन लगा हुआ था, उसको उखाड़ के ले जाया गया है। ये देखिए, ये सामने आपको दिख रहा है, यहाँ से टोटी गायब कर दी गई है। जी, टोटी गायब है यहाँ से, ये आरोप लगाया जा रहा है। वॉश बेसिन को निकाल के ले जाया गया, काफी अच्छे अच्छे फर्नीचर थे, वो फर्नीचर को यहाँ से ले जाया गया है, और जो भी एयर कंडीशन थे, जो भी महंगे सामान थे, उस सब चीजों को यहाँ से ले जाया गया। ये आरोप नहीं, ये हकीकत है। और देखिए, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का हमने उदाहरण देखने को मिला था, जब वो वहां से, उन्होंने सरकारी बंगला खाली किया था, उन्होंने भी सरकारी संपत्ति को अपना समझ करके अपने घर ले गए थे। उसी की तर्ज पे आज बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जी ने सरकारी संपत्ति को, एसी क्या डैमेज है यहाँ पे, एक एयर कंडीशन था, एयर कंडीशन को यहाँ से ले जाने का काम किया गया। उदाहरण है आपके सामने, एयर कंडीशन गायब है यहाँ से। और तो जो फाउंटेन लगाया गया था, उस फाउंटेन के जो लाइट्स थे, उस लाइट्स को भी ले जाया गया है। तो इस प्रकार से जितनी भी महंगी सामान थी, वो सब के सब तेजस्वी यादव जी ने यहां से ले जाने का कार्य किया है। और देखिए, हम इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव जी की जो परवरिश हुई है, जो उनकी सोच है, जहां वो पले बढ़े हैं, जिस परिवार में उन्होंने बचपन से देखा है कि कैसे सरकारी संपत्ति को लूटा जाए, कैसे मौका मिलने पे सरकारी संपत्ति को लूट लिया जाए, तो उसी का उदाहरण आपको देखने को मिला है कि तेजस्वी यादव ने यहां से सरकारी संपत्ति को लूटने का काम किया है, जो दुर्भाग्य है बिहार का। अच्छा, ये बताइए, एसी गायब है, बेड डैमेज है, और उसके बाद टोटी निकाला गया, इस तरह का आरोप आप लोग लगा रहे हैं। नीचे भी कुछ आप लोग के नजर में सामान गायब है, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जितने भी इस आवास के अंदर जितने भी एसियां थी वो तो गायब है ही है। जो यहाँ पे लोग आते थे, जिनके बैठने की व्यवस्था थी, जहाँ पे सोफे लगे हुए थे, उस सोफे को भी यहाँ से ले जाने का काम किया गया है। अच्छा, देखिए, सुशील मोदी जब बिहार के डिप्टी सीएम हुआ करते थे तो सुशील मोदी भी इस कमरे में रहते थे, इस आवास में रहते थे, और उनके, और देखिए मोदी जी कभी इसमें नहीं रहे हैं। जब इंट्रेंस किए थे, हैंड ओवर लिए थे, तो देखने के लिए आए थे, उसमें सभी मीडिया के लोग थे। अच्छा, आप उनके तो निजी सचिव रहे लंबे समय तक, तो आपके नजर में क्या क्या गायब है शत्रुघ्न जी? अच्छा, हमको आप ये बता दीजिए कि इसमें क्या है, इसमें रहने लायक, ये बताइए इसमें क्या है। वो लाइट तक देखिए, सब उखड़ा, लाइट तक ले जाया गया है, आप देख लीजिए ना, देखने का चीज है ना। और क्या क्या आपके नजर में गायब हुआ, थोड़ा इधर कैमरे पे बताइए। ये हाइड्रोलिक पलंग नहीं है, दो हाइड्रोलिक पलंग थे वो गायब है। सोफा देख लीजिए, वीआईपी डिप्टी सीएम के चेंबर में एक भी सोफा, उनके गेस्ट वो अपने कहाँ बैठते थे, नीचे पालथी मार के बैठते थे, नीचे चटाई बिछा के सोते थे। सोफा तक गायब। अच्छा शत्रुघ्न जी, आप हमारे साथ थोड़ा नीचे भी आइएगा, हम जानना चाहते हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, बेहद गंभीर आरोप बीजेपी के तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये भी एक कमरा है, ये सब सब बिना एसी का कमरा है, देख लीजिए, सारा एसी का, एसी की नहीं, उसको भी देख लीजिए, लाइट का भी देख लीजिए, सब खड़ा हुआ है। कितने एसी गायब होंगे?
अब ये तो भवन निर्माण विभाग वाले बताएंगे कि इसमें कितने एसी लगे हुए थे। आपके साथ हम नीचे थे उस समय 50 से ऊपर एसी लगे। अभी कितना है? अभी नहीं बता सकते ना। है वाटर कूलर भी गए? क्या जो वाटर कूलर होता है पानी? हाँ नहीं, आप जाकर वहाँ देख लीजिए ना। थोड़ा नीचे चलते हैं आपके साथ, चीजों को देखते हैं। देखिए शत्रुघ्न जी हैं यहाँ, क्या था क्या नहीं था उससे हर चीज से वाकिफ हैं। सुशील मोदी के लंबे समय तक वो नीचे सचिव रहे हैं। सुशील मोदी का निधन हो गया था, कैंसर उनको हो गया था। तो इस आवास में क्या क्या सामान था, अब नहीं है, इनको इसकी जानकारी और अच्छे से है। लगातार जो है ये लोग आरोप तेजस्वी पर लगा रहे हैं कि मकान तो खाली किए लेकिन कई चीज जो ले गए। हाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ है सर गायब? आप कहीं भी इसमें कोई बताइए, ये डिप्टी सीएम के रहने के लिए है? चटाई बिछा के डिप्टी सीएम यहाँ सोते थे? एक भी खाट है क्या? आप दिखा के बताइए ऊपर से नीचे तक के। इधर भी कुछ वाटर कूलर में डैमेज किया गया इस तरफ में। आइए 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 आपके साथ चलते हैं। जो दफ्तर बताया जा रहा है कि जो दफ्तर है उसमें से भी जो है आप सब डैमेज किया हुआ है। तो सब 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 देख लीजिए, सब डैमेज किया। वाटर कूलर विशाल से कहेंगे कि थोड़ा वाटर कूलर की तरफ से आई। अभी आइए शत्रुघ्न जी, देखिए यहाँ पे ये पीने के पानी के लिए वाटर कूलर जो है लगाया गया। इसमें किसमें क्या गायब है? अभी उसमें हमको ये इंजीनियर तो है नहीं जो हम बता सकते। अब तो इंजीनियर ही बताएगा कि उसमें क्या क्या निकाल लिए हैं, ढांचा क्या क्या है, ओरिजिनल चीज क्या है। ऑफिस में जो है मेन ऑफिस में आपको आरओ नहीं है, फ्रिज नहीं है, ये सब देख लेते। आइए तो आइए आइए, देखिए यही वो कोठी का परिसर है। ये लोग कह रहे हैं कि जो ऑफिस है उसमें से भी कई चीजें जो हैं वो मौजूद नहीं है, तो निकाल के ले जाया गया, इस तरह की बात ये लोग कह रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि बहुत ही घटिया स्तर का ये काम हुआ। सो यूपी में इस तरह की चीजें हो चुकी हैं लेकिन अब यहाँ भी हो रहा है। देखिए अब हम ऑफिस में चल रहे हैं। ये डिप्टी सीएम का जो ऑफिस होता है वो ये है। इस आवास में जो भी डिप्टी सीएम रहते हैं वो इस कोठी में रहते हैं, तो ऑफिस ये रहता है। शत्रुघ्न जी यही ऑफिस है ना? यही ऑफिस है। हाँ 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 हाँ, बताइए। आप एक चीज बता रहे थे कि हम लोग कह रहे नहीं, हम लोग दिखा रहे हैं। दिखाइए। हाँ हम, वो क्या हुआ, कौन ले गए, या तो डिप्टी सीएम बतावेंगे या भवन निर्माण विभाग के लोग बतावेंगे। हम वस्तु स्थिति आपको बता रहे हैं। देखिए एसी, देखिए ये, देखिए एसी नहीं है, ये देखिए एसी नहीं है, जबकि ये डिप्टी सीएम का कॉन्फ्रेंस हॉल है, समझिए ना। और आपको बताते हैं, चलिए कॉन्फ्रेंस हॉल से भी एसी गायब है। और ये कह रहे हैं कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम बकायदा दिखा रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग जो बता रहे हैं वो प्रमाण है, ये आरोप नहीं है। क्या आपको लगता है कि हाँ अच्छा, सामने जो है वहां से भी एक उखाड़ के ले जाया गया एसी था? एसी आप देख ना लीजिए, सामने दिखाई पड़ रहा है। देखिए एसी जो है इसमें इधर और दिखाते हैं ना। जी जी, देखिए शत्रुघ्न जी, जैसा मैं बता रहा हूँ कि सुशील मोदी के निजी सचिव रहे हैं। देखिए ये जवाब तो या तो डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी देंगे या भवन निर्माण विभाग देगा। ये देख लीजिए, सामने दिखाई पड़ रहा है, ये देख लीजिए सामने दिखाई पड़ रहा है। इसमें लोग इसी पर बैठते थे क्या? एक भी कुर्सी नहीं है इस पर, के एक भी कंप्यूटर नहीं है, सब ले गए। इसी को जवाब देना चाहिए। अब वो ये आप लोग पूछिए, हमने आपको वस्तु स्थिति जो सच्चाई है वो दिखा रहे हैं। तो देखिए कई चीजें यहाँ से गायब हैं और यही जो है इनके तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सबूत दिखा रहे हैं। सो तेजस्वी को जवाब देना चाहिए। कैमरा पर्सन विशाल के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। व्हाट डज हरियाणा'स यूथ वांट? व्हाट्स द पॉलिटिकल मूड ऑफ द रीजन? विल दीस असेंबली इलेक्शंस कॉरेस्पॉन्ड टू लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time? हरियाणा में मौजूद हैं हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.